सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं नरेश सहरावत, गांव सुकराली से पूर्व सरपंच। एक्चुअली क्या है कि मैं अप्रैल 10 तारीख को मेरे को कोविड हुआ था और कंटिन्यू में 15 मई तक फोर्टिस में एडमिट रहा, जो मेरे को डिस्चार्ज होने के बाद 5-6 दिन में घर पे रहा। फिर उसके बाद मेरे को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आने लगी, फिर मैं दोबारा फोर्टिस हॉस्पिटल में गया। उन्होंने 22 तारीख को मई में मेरे को दोबारा सर्जरी की, भाई नाक की भी आपको फंगस है, तो मैंने वहाँ पर जैसे सर्जरी कराई तो मेरे को कोई ज़्यादा रिलीफ मिला नहीं, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत आने लगी। मेरे फिर वही सर में दर्द, आँखों में जलन, तो मैं उसके बाद मेरे को जैसे ब्लैक फंगस की दिक्कत आई, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर गया, वहाँ पे मेरे को एडमिट किया गया 22 मई के बाद मेरे को 24 को उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी करके मेरे को वहाँ पे रखा उन्होंने करीबन 12-13 दिन। उसके बाद मेरे जो इंजेक्शन उन्होंने जो लगाए वहाँ पे, जो कहते हैं भाई बड़े मुश्किल से वो इंजेक्शन मिले, तो इंजेक्शन चढ़ाए, बट उसके बाद मुझे जैसे ही उन्होंने डिस्चार्ज किया घर चला गया। घर जाने के बाद फिर मुझे 5-6 दिन बाद में यही प्रॉब्लम आने लगी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा, मुझे आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लगा। उसके बाद मैं डॉक्टर मनीष जी के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था कि डॉक्टर मनीष प्रकाश जी ENT के स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं इनके पास अपनी पूरी फाइल लेके आया। तो इन्होंने जैसे मेरी MRI और CT देखा तो उसमें कुछ सिम्टम्स अभी बाकी थे, तो डॉक्टर मनीष ने कहा कि अगर आप भैया वहाँ पे कराएं तो ठीक है, अगर अदरवाइज मेरे पास भी सुविधाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे डॉक्टर मनीष की बातों पे पूरा विश्वास लगा कि डॉक्टर ठीक हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा कि आप एडमिट हो दीजिएगा, मैं 19 तारीख को एडमिट हुआ और उसी दिन मेरी सर्जरी हुई। 19 को मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मुझे एक दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करा और 20 को मेरे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन मैंने फ़र्क देखा कि जो फोर्टिस और मयम हॉस्पिटल में जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था तो मेरे नाक के अंदर पूरा उन्होंने कॉटन पट्टियाँ पानी क्या क्या करके मुझे एक दिन पूरा ऐसा परेशान रखा कि पूरा नाक बंद रखा। लेकिन मैंने यहाँ पे जब कराया अपना ऑपरेशन तो डॉक्टर मनीष जी ने जो बड़े आराम से बड़े अच्छी तरीके से, अंदर पता नहीं क्या लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं नाक से भी सांस ले सकता हूँ, मुंह से भी सांस ले सकता था। और मैं जब से यहाँ पे एडमिट रहा 20 तारीख को मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज किया, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ था, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ पे वार्ड बॉय हैं या कोई भी स्टाफ रहा, तो पूरा मुझे कोऑपरेट किया और इतना अच्छा तरीके से यहाँ पर बिहेव था इनका, जो मैं पूरे स्टाफ की बात करूँ तो पूरा अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 4-5 दिन में घर आया तो मुझे कुछ आई साइड की प्रॉब्लम, मुझे लगा कि मुझे दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे वापस आया मयम हॉस्पिटल के अंदर और मैंने आके यहाँ पे डॉक्टर पल्लवी गोसाई जी से कंसल्ट किया। तो उन्होंने मेरी आई साइड चेक की, आई साइड चेक करने के बाद उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और आज मुझे ना तो वो आँखों से जलन आ रही है और ना ही मुझे वो जो पेन होता था वो नहीं हो रहा है। और मेरे जो जहाँ तक मैं ट्रीटमेंट में दवाइयाँ लेता था वो दवाई मेरी पूरी टोटली बंद हो चुकी हैं और आज मैं दिखाने के लिए दोबारा से आया था डॉक्टर मनीष प्रकाश जी के पास। तो इन्होंने जो मुझे कोऑपरेट किया, मुझे जो मैं ट्रीट किया, मेरा जो इन्होंने इलाज किया, मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी भाई ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में ना जाकर अपने छोटे इन हॉस्पिटलों में जाओ जहाँ पर डॉक्टर मनीष प्रकाश जी जैसे डॉक्टर बैठे हैं, पल्लवी डॉक्टर जैसी बैठी है, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप आओ सीधा इन हॉस्पिटल के अंदर। मैं हॉस्पिटल तो मैं जो कहता हूँ आज गुड़गांव के अंदर में अपने आप में ENT स्पेशलिस्ट यहाँ डॉक्टर हैं हर तरह से, तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ आएंगे तो आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि मैं तो पूरा अभी कह सकता हूँ मैं तो इस चीज़ से भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं एक महीना पूरा कोविड के अंदर रहा और उसके बाद में ब्लैक फंगस से मैं परेशान रहा, उन्होंने मुझे एडमिट रखा, लेकिन जो आगे तसल्ली मेरे को यहाँ मिली वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पुनः सभी डॉक्टर्स का, खासतौर पर मनीष प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें मुझे यहाँ तक ठीक किया।